हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हमारी डेली वीडियोस जो है वो कंटिन्यू चल रही थी, लेकिन आज कुछ इश्यू था तो वहां पर मेरी वीडियो नहीं बन पाई। तो मैंने सोचा क्यों ना व्हाइट बोर्ड पे वीडियो बना दी जाए। तो चलिए, हम आज एक ऐसा टॉपिक डिस्कशन करेंगे जिसमें से बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि क्या कंपनसेशन, क्या अनकंपनसेशन और क्या पार्शियल कंपनसेशन। इसके बीच में इतने डाउट्स क्रिएट होते हैं कि समझ नहीं आता। एग्जाम में टॉपिक्स आते हैं या ये क्वेश्चन बन के आता है कि इसका आंसर होगा क्या। चलिए आज डिस्कशन कर लेते हैं। पहली चीज मैंने लिखी है कंपनसेशन। कंपनसेशन बॉडी में जो चीज कंपनसेट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा पीएच। पीएच जो होता है अपने बॉडी का, जो ब्लड का पीएच है वो 7.35 से 7.45 तक होता है। जो CO2 होता है हमारी बॉडी में 35 से 45 mHg होता है, और HCO3 बाइकार्बोनेट जो होता है 22 से 28 मिलीक्यूलेंट पर लीटर होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली। अब कैसे इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाए कि क्या कंपनसेट हो रहा है, क्या अनकंपनसेट है, क्या पार्शली कंपनसेट है। तीन वैल्यूज मैं यहाँ पे आपको बार बार बोल रही हूँ। तो पहली वैल्यू देखते हैं कंपनसेट। कभी कभी क्वेश्चन आपको ये वैल्यू देगा, पूछे कंपनसेट हो रहा है या अनकंपनसेट है, पार्शली कंपनसेट। तो आपको वैल्यूज देखनी है। सबसे पहले पीएच को देखना, पीएच नॉर्मल है। उसके बाद सेकेंडरी आपको देखना होती है बोथ वैल्यूज। बोथ वैल्यूज मतलब PCO2 HCO3 दोनों वैल्यूज ही एबनॉर्मल है, मतलब दोनों वैल्यूज ही एबनॉर्मल है। या तो घटी हुई होंगी, कम होंगी, या फिर बढ़ी हुई होंगी, एबनॉर्मल है। ऐसे HCO3 एबनॉर्मल मतलब या तो कम होंगी या ज्यादा होंगी। तो इस कंडीशन के अंदर हमारा होगा कंपनसेट। जहां पे पीएच नॉर्मल हो, दोनों वैल्यूज एबनॉर्मल होती है, दोनों ही वैल्यूज एबनॉर्मल होंगी, उसको कहते हैं कंपनसेटेड। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है अनकंपनसेटेड। अनकंपनसेटेड जो बिल्कुल भी कंपनसेट नहीं कर रहा, उसमें हमारा पीएच होता है एबनॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल हमारा 7.35 से 7.45 तक का पीएच है, और यहाँ पे हमारा जो वैल्यू मिलेगी वो एबनॉर्मल मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल एबनॉर्मल मिलेगी। सेकेंडरी की बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। दो वैल्यूज है हमारी CO2 HCO3। दोनों वैल्यूज में से कोई ना कोई एक वैल्यू आपको एबनॉर्मल मिलेगी, दोनों वैल्यूज यहाँ एबनॉर्मल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो लिखा है पीएच एबनॉर्मल एंड वन वैल्यू एबनॉर्मल, या तो HCO3 एंड PCO2। ठीक है, या तो HCO3 होगी या PCO2 होगी, दोनों नहीं होंगी। कभी आप सोचो दोनों होंगी, दोनों नहीं, ओनली वन जो हमारी वैल्यूज है वो एबनॉर्मल होगी। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, पार्शली कंपनसेटेड। जिसने पार्शियल कंपनसेट किया बॉडी के साथ, वो वैल्यूज क्या होंगी, वो वैल्यूज होंगी ऑल वैल्यूज आर एबनॉर्मल। जितने भी वैल्यूज दिए हैं, पीएच भी दे दिया, PCO2 भी दिया, HCO3 भी दिया, सब एबनॉर्मल होगा। इस कंडीशन को कहते हैं पार्शली कंपनसेटेड। तो एक बार दोबारा से फटाफट देख लेते हैं, कंपनसेट कर रही है बॉडी, तो पीएच नॉर्मल होगा, बोथ वैल्यूज कैसी होंगी हमारी, एबनॉर्मल होंगी। यदि हमारा पूछे अनकंपनसेटेड, कुछ भी कंपनसेट नहीं कर रहा, तो पीएच क्या होगा हमारा, एबनॉर्मल होगा, और दोनों में से एक वैल्यू होगी बच्चों वो एबनॉर्मल होगी। टर्शियरी बात करते हैं पार्शली कंपनसेटेड। पार्शली में सब कुछ ही एबनॉर्मल है, तो पार्शियल मुझे लगता है सबको याद होगा, क्योंकि इसमें सब कुछ एबनॉर्मल है, तीनों वैल्यूज एबनॉर्मल होंगी हमारी। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों नोट सेट में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 3 to 4 क्वेश्चंस एवरी टाइम बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर। कंपनसेट क्या है, अनकंपनसेट क्या, पार्शली कंपनसेट क्या। आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छे से वैल्यू समझ में आ गई होगी। एंड और सब कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।